वैसे हम लोग जो काम कर रहे हैं वो देखे आपने, और अभी शिप्रा आई थोड़े से रेस्ट के लिए और बात भी कर रहे हैं हम। जागृति गई बाजार और शिप्रा आई हुई है। हेलो गाइस, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और अभी काफी दिनों से वीडियो नहीं आ रहे हैं मेरे, रील्स आप लोग देख लिया करें, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत एक्टिव रहती हूँ, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों में बहुत कमेंट्स आते हैं मुझे वीडियोज़ को लेकर, पर वो ये है कि टाइम की शॉर्टेज रहती है। और कमेंट में बताइएगा आप लोगों की दिवाली की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। मुझे तो एक ही छुट्टी मिली दिवाली की, फिर भी मैंने बहुत से काम कर लिए। मम्मी की वीडियो में ही बता देती हूँ क्योंकि मेरी कोई वीडियो आ नहीं पाती है, तो बहुत से काम मैंने कर लिए हैं, कुछ कुछ रह गए हैं जो कि मैं आज कंप्लीट कर दूंगी। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। तो आज सुबह से देख रहे हैं हम लोग काम में लगे हुए हैं, आप लोग सब लोग देख रहे हैं कि हम लोग सब काम में लगे हुए हैं। अभी शिप्रा भी आई थी और मैंने फिर दिए रंगे, और अभी मुझे जो चने की दाल है वो तलनी है। मेरे बेटे को बहुत पसंद है, और सब कोई पसंद है खैर घर में, लेकिन मेरे बेटे को बहुत पसंद है। वो पूछ रहा था मम्मी चने की दाल नहीं बनाई क्या, चने की दाल जो तलते हैं भिगो के वो बना रही हूँ। और बच्चे अभी बाजार गए हैं क्योंकि बाजार के भी काफ़ी काम बाकी थे, तो बाजार गए हैं सबके लिए गिफ्ट लेने। और मैं करूँगी अभी चने की दाल को तलूँगी और चलते हैं किचन। काफ़ी काम जागृति ने निपटा दिए थे, अब बाजार गई है वो, तो मैं ये दाल जो होती है चने की वो भिगोई हुई है, चने की दाल तो काफ़ी भीग चुके हैं, 2-3 घंटे हो गए हैं, तो उनको तल लूँगी मैं। और मीठा सोडा डाल के इस दाल को हमने भिगोई थी, तो मीठा सोडा डालने से क्या होता है कि दाल बिल्कुल नरम तली जाती है। तो जब भी तेल से ऊपर दाल आ जाए, जब हम तलते हैं तो ऊपर जब दाल आ जाए तो समझिए आपकी दाल तली गई है। तैयार है हमारी चने की दाल नमकीन, या बोलिए नमकीन चने की दाल। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ।